हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 29 अगस्त 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनटीपीसी में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 2.83% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 163.40 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो है जरूर देखने मिला। कैंडल यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज की, मैंने ऊपर के साइड में छोटी सी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे RSI की, 63-64 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना, RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग का चांसेस है कि हमें जो है एक स्टॉक में गैप अप ओपनिंग के बाद एक डाउन साइड जो है देखने मिले, मतलब अपसाइड में फिलहाल मूवमेंट जो हमें देखने मिलेगी अराउंड 165.60 के आसपास और फिर वहां से हमें रिवर्सल जो देखने मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे डाउन साइड हमें देखने मिलेगा 161.70 के आसपास, अगर उसको भी स्टॉक क्रॉस कर देगा तो स्टॉक में फिर इजीली हमें 158.80 के आसपास जो स्टॉक गिरते हुए देखने मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्टॉक में यहाँ पे हमारा ओपिनियन जरूर आने वाले दिनों के लिए जो है डाउन साइड का है, लेकिन क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है मैं आपको रेकमेंड करूंगा इंट्रा डे वाइज फिलहाल जितना हो सके आप जो है यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी जो है ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो तो हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 158.90 के नीचे अगर स्टॉक अगर कभी भी आपको आते हुए देखने मिले आप जरूर वहाँ पे बाइंग जो है कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो बाइंग लेवल है, प्लस यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी होल्ड करें स्टॉक को तो वहाँ पे आप एवरेजिंग भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप भी यहाँ पे मार्केट के वॉलेटिलिटी से जो परेशान है तो नीचे लिंक यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड की जो दे दी, आप जरूर वहाँ पे जो है उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और नंबर डालना है और वहाँ पे ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे जो है जरूर कौन सा भी म्यूचुअल फंड अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा यहाँ पे बाय करें तो जरूर आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सअप का नंबर हमने जो है दे दिया है और जरूर हमें कॉन्टैक्ट करें। आपको कोई भी एडवाइस चाहिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इवन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में किसमें जो है इन्वेस्ट करना है एडवाइस चाहिए तो हम जरूर आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी अब बात करते हैं स्टॉक में वन आर के चार्ट में हमें मंडे के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है वो मार्क्ड है, लेकिन क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ऊपर आ चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा अप्रैल के मंथ में जो है स्टॉक इस रेंज में जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 52 रेंज के आसपास है, तो यहाँ पे जरूर मैं जो है मार्किंग जो है यहाँ पे कर लेता हूँ। जो भी हमने पुरानी जो है यहाँ पे डेटा के बेसिस पे जरूर मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये जो मार्किंग्स है बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को यहाँ पे खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर आप यहाँ पे सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे हमारी मार्किंग्स भी जो डन होने आई है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके क्लोजिंग की। तो थोड़ा सा हम जूम करके दोनों साइड का डेटा देखने मिले कुछ ऐसा यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग 163.40 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 163.05 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 163.65 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर
कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो जहां पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझा है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या, अगला सपोर्ट आता है 162.50 का, उसके बाद क्या आता है 161.95 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता है 164.20 का, उसके बाद क्या आता है 164.80 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर कल के लिए मतलब मंडे के लिए एक नेगेटिव क्लोजिंग का चांसेस है कि 162.50 से लेके 163.05 के रेंज में हमें क्लोजिंग देखने मिले। बाकी अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई 163 के नीचे तो स्टॉक और भी जो है गिर सकता है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हमें मंडे के दिन जो है देगा यहाँ पे, वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। बाकी आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।